21 अक्टूबर भारत के इतिहास में एक बेहद जरूरी डेट है, लेकिन क्यों? क्योंकि यही वो दिन है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार आजाद हिंद भारत यानी इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्सेप्ट भारत के आगे रखा था, और यही से शुरुआत हुई इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की। इसी के साथ आजाद हिंद फौज भारत के नहीं बल्कि इंडिया के बाहर 1942 में मोहन सिंह की लीडरशिप के अंदर सिंगापुर में बनाई गई थी। इस आर्मी में 40,000 से ज्यादा लोग जुड़े, और इस आर्मी के अंदर एक रानी और झांसी नाम का एक ऐसा विंग था जो कि भारत की आर्मी का पहला वुमन विंग बना। और जब नेताजी को आजाद हिंद फौज की पावर का रियलाइजेशन हुआ, उसके कुछ समय बाद ही 1943 में भारत में आजाद हिंद फौज का अनाउंसमेंट कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स में से एक हैं जिन्होंने भारत को एक नई ऊर्जा दी। और अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट को देखना पसंद करते हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूले, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।